सिवान में पूर्व सांसद के करीबी स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय कृषि सुधार दवा व्यवसायी को लगी गोली, मची भगदड़। नगर थाना रबिया मार्केट की घटना। सिवान जिले के नगर थाना के इलाके में अस्पताल मोड़ पर नया बाजार स्थित रबिया मार्केट में पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के प्रवक्ता रहे स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय कृषि सुधार दवा व्यवसायी किशोर सोनी को आंख पर गोली लगी, जिसके बाद कुछ देर के लिए वहां भगदड़ का माहौल कायम हो गया। लोग यह समझ नहीं सके कि आखिरकार किशोर को किसने गोली मारी है और क्यों मारी है। घायल अवस्था में किशोर सोनी को निजी अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज किया गया, जहां व्यापारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल बताते चले कि शहर के नया बाजार अस्पताल मोड़ स्थित रबिया मार्केट में सिसवन प्रखंड के सरौद गांव के मिलिट्री मैन ब्रजकिशोर सिंह अपने लाइसेंसी हथियार को साफ कराने के लिए वे गन हाउस में आए थे। बंदूक में गोली लोड थी, जैसे ही उसको ऊपर की तरफ लॉक करने की कोशिश किए तभी गोली फायर हो गई और सामने वाली दुकान पर बैठे दुकानदार को किशोर सोनी को गोली लग गई, जिसके कारण वह घायल हो गए। घटना के बाद आनन फान में सिवान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं दवा व्यवसायी किशोर सोनी को गोली लगने के बाद से यह अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय कृषि सुधार को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद शहर के स्वर्ण एवं दवा व्यवसायी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे, लेकिन घायल किशोर सोनी का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा था। लोग इसलिए डरे थे कि आज से कुछ वर्ष पहले पूर्व सांसद के प्रवक्ता श्रीकांत भारती को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए लोगों को लगा कि कहीं उससे जुड़ा तो यह तार नहीं है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद सब कुछ साफ हो गया, किशोर सोनी को आंख पर गोली लगी थी, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं जयप्रकाश पंडित नगर थाना अध्यक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह झूठी बात है, कहीं गोली नहीं चली और कहीं गोली नहीं लगी है। गोली मतलब हम आए बाहर गए हुए थे, ठीक है, और वहाँ से आए ना दुकान पे, देखे कि भैया को आँख में चोट लगा हुआ था, यहाँ पे एक गोली वहाँ शटर में चला हुआ है, शटर से टकरा के उनको। हाँ हाँ, कस्टमर आए हुए थे, वो अपना गन लिए और गन ले के जैसे जा रहे थे तब तक सर्विस फायर हो गया।